प्रभास ने क्यों ठुकराई 150 करोड़ की ब्रांड एंडोर्समेंट? क्या सोच रखते हैं प्रभास अपनी फिल्मों को लेकर? प्रभास इतने सिलेक्टिव क्यों हैं? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार की सोच को लेकर। सेलिब्रिटी और ब्रांड एंडोर्समेंट आमतौर पर साथ चलते हैं। बहुत सारे अभिनेता दिखाई देने और मोटी रकम पाने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ जाते हैं, मगर बाहुबली अभिनेता प्रभास ने हाल के दिनों में बड़े ब्रांड्स विज्ञापन के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और FMCG तक सभी श्रेणियों के पॉपुलर ब्रांड ने एक्टर प्रभास को मोटी रकम के साथ अपने एम्बेसडर के रूप में उन्हें शामिल होने को कहा था। प्रभास एक घरेलू नाम है और उनकी लोकप्रियता न केवल देश बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है, इसलिए वो एक ब्रांड में जो वैल्यू लाने में सक्षम है। उन्होंने पिछले एक साल में 150 करोड़ से अधिक के ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर्स को रिजेक्ट किया है। बता दें कि उनके द्वारा इन सभी ब्रांड एंडोर्समेंट को खारिज करने का कारण यही है कि वो एंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले भी ब्रांड्स को एंडोर्स कर चुके हैं और ऐसा करना जारी रहेगा, लेकिन वो सिलेक्टिव है और इस बारे में पर्टिकुलर है कि वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रभास उस पोजीशन को समझते हैं जिस पर वो हैं और इसलिए बुद्धिमानी से इसका उपयोग करना पसंद करते हैं। ये सब उन्हें बोर्ड पर लाना मुश्किल बनाता है और उन्हें एक्सक्लूसिव भी बनाता है। इसलिए जब प्रभास किसी ब्रांड का प्रचार कर रहे होते हैं तो वो एक कोलैबोरेशन बहुत खास है। इससे पहले उनके निर्देशक ने ये भी बताया था कि प्रभास ने अपनी फिल्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10 करोड़ के ब्रांड एंडोर्समेंट को रिजेक्ट कर दिया था। निसंदेह एक ऐसे अभिनेता को देखना रिफ्रेशिंग है जो बेहद सोच समझकर स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना पसंद करते हैं। सिर्फ कपड़ों और ब्रांड में ही नहीं, ये सोच प्रभास अपनी फिल्मों में भी रखते हैं। फिल्में भी प्रभास काफी सोच और समझकर करते हैं। इसी सोची समझी फिल्मों में प्रभास की साहू 2 भी शामिल है, जिसमें प्रभास श्रद्धा के साथ नजर आने वाले हैं। तो आपको प्रभास की आने वाली फिल्म साहू 2 का कितना इंतजार है, हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।